नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है उसका जिम्मेदार ना तो मोदी जी हैं और ना तो रेल मंत्रालय है, उसका जिम्मेदार है तो कोई मुसलमान है। जहां साहब आप सही सुन रहे हैं, उसका जिम्मेदार कोई है तो वो है मुसलमान। उसका जिम्मेदार कोई अगर है तो वो है एक मस्जिद, अगर उसका कोई जिम्मेदार है तो वो है दिन शुक्रवार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी की आईटी सेल कह रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी वाले कौन सा नशा कर बैठे हैं, बीजेपी की आईटी सेल वाले कौन सा नशा कर बैठे हैं। साहब मैं आज आपको एक के बाद एक सबूत दिखाऊंगा कि कैसे रेल मंत्रालय ने अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश की है, मोदी सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश की है और उसका ठीकरा फोड़ दिया है देश के मुसलमानों पर। अगर देश में कोई गुनाह होता है, देश में कोई अगर कमी होती है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान होता है। देश में अगर भूकंप आ जाए तो उसका जिम्मेदार चाचा नेहरू होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं। सरकार की कोई गलती नहीं होती है साहब, सरकार की कोई गलती नहीं होती है। पता नहीं कौन सा नशा कर बैठे हैं साहब ये बीजेपी वाले। आज तो मैं इन्हें सैल्यूट करता हूं इनकी सोच पर, इनकी मनोदशा पर। चलिए आज हम आपको एक के बाद एक सबूत दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी वालों ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना को मोड़ने की कैसे कोशिश की है, कैसे गुमराह करने की कोशिश की है, आपके दिमाग से खेलने की कोशिश की है, आपको गुमराह करने की कोशिश की है। आपके स्क्रीन पर देखिए एक तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर बहुत बार वायरल हुई है, आपके व्हाट्सएप पर वायरल हुई है, आपके फेसबुक पर वायरल हुई है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा और गौर भी किया होगा। इसमें लिखा है कि ये स्टेशन मास्टर है, ये धर्म से मुसलमान है और जब से बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई है तब से ये फरार है। ट्रेन दुर्घटना का जिम्मेदार इसी को बताया जा रहा है और हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपके स्क्रीन पर देखिए एक ट्विटर है, ट्वीट दिख रहा है और ये ट्वीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का एक नेता है, राष्ट्रीय हिंदू महासभा का एक कार्यकर्ता नेता है। इसकी तस्वीर देखिए मोदी जी के साथ दिख रही है, सीएम योगी के साथ दिख रही है, बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोगों के साथ ये तस्वीर इसकी दिख रही है। और इतना पावरफुल अगर है तो जाहिर सी बात है कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है। इसने आगे ट्वीट में जो किया है हम आपको देख के बाद एक ट्वीट दिखाते हैं, इसने ट्वीट किया है उसके बाद उसका ट्वीट हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको कमलेश मिश्रा मैथिल ब्राह्मण जी का एक ट्वीट दिखा देते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि 270 से ज़्यादा की मौत को नींद 270 से ज़्यादा को मौत की नींद सुलाने वाला, 900 से ज़्यादा लोगों को गंभीर घायल करने वाला उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट जिस स्टेशन पर हुआ था उसका नाम है ब्रह्म नंगा स्टेशन। इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर का नाम है मोहम्मद शरीफ अहमद, एक्सीडेंट की जांच के आदेश के बाद से फरार है। अब जरा आपको रोकते हैं थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा आपको रोकेंगे क्योंकि रुकना ज़रूरी है। दरअसल जिस स्टेशन मास्टर को ये लोग मुसलमान कह रहे हैं वो मुसलमान है ही नहीं, वो हिंदू है, लेकिन पूरे घटनाक्रम को मोड़ने की तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई ये कि ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है और ये फरार नहीं है। किसी बड़े चैनल पर आपने नहीं देखा होगा ना सुना होगा कि इसके बारे में कोई खबर चली हो, बस व्हाट्सअप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर आपने अक्सर ऐसी खबरें देखी होंगी। वहीं आपको दूसरी तस्वीर से रूबरू कराएंगे जहां पर यह घटना घटी, बताया जा रहा है कि वहां एक मस्जिद है और उस मस्जिद की वजह से ही इतनी बड़ी घटना घट गई है। अब जरा इस मस्जिद के बारे में हम आपको बता देते हैं, जिसको मस्जिद कहा जा रहा है साहब वो मस्जिद है ही नहीं बल्कि वो मंदिर है, लेकिन मंदिर को किस प्रकार से गुमराह करके उसे मस्जिद का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहां घटना घटी वहां मस्जिद है, स्टेशन मास्टर मुसलमान है और दिन शुक्रवार है, तीनों को अगर मिलाकर देखें तो पूरी तरीके से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हमारे और आपके दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें उड़ीसा ट्रेन हादसे को सांप्रदायिक रंग देने के लिए घटनास्थल के पास मौजूद मंदिर को मस्जिद बताया जा रहा है। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ना साहब, ये जो मस्जिद देख रहे हैं दरअसल ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। आपके स्क्रीन पर देखिए उस मस्जिद मंदिर की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये कि ये वही मंदिर है जिसको हमारे देश के कुछ टूल किट वाले, कुछ बड़े विशेषज्ञ लोग, बुद्धिजीवी लोग, वैज्ञानिक लोग मंदिर को मस्जिद बना रहे हैं। कमियां रेल मंत्रालय की नहीं बता रहे हैं कि रेल मंत्रालय ने कैसे देश के साथ खिलवाड़ किया है,
पता नहीं कितनी हजार वैकेंसियां देश में खाली पड़ी हैं, उनको भरने की कोशिश नहीं की जा रही है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं से लगातार काम कराया जा रहा है, उनसे ओवर टाइम कराया जा रहा है, लेकिन नए लड़कों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। सीबीआई जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश देने के बाद भी हमें लगता है कि कोई तथ्य सामने नहीं आएगा, क्योंकि हमारे देश में पता नहीं कितनी जांचें पेंडिंग पड़ी हैं, कितनी जांचें चल रही हैं, लेकिन उसका आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इस जांच का निर्देश निकालें, निष्कर्ष निकालें इसका, क्योंकि अगर आप निष्कर्ष नहीं निकालेंगे तो जनता का विश्वास आपसे उठ जाएगा। इसमें 288 लोग मारे गए हैं, 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, पता नहीं कितने मांग का सिंदूर जो उजड़ गया है, कितने की कोख सूनी हो गई है, कितनों की कलाई सूनी हो गई है। अगर आप इस मुद्दे का हल नहीं निकालेंगे तो जनता का विश्वास आपसे टूट जाएगा। आज मैं फिर सरकार से निवेदन करता हूं कि सीबीआई जांच के आदेश तो आपने दे दिए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए उसको पब्लिक के सामने रखा जाए, पब्लिक भी जाने कि इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। किसी को इस तरह टारगेट करना वो गलत है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये गलत है। अगर ये गलत है तो सही क्या है वो चीज़ हमें दिखाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।